सुमित, कौन सा वो शेयर जो हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में नजर आता है और हिलता नहीं है? हर बार सवाल भी उसके ऊपर बहुत सारे आते हैं, वो है RCF, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। कंपनी अच्छी है, सरकारी कंपनी है, सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है, बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद ये शेयर चलता नहीं है। पहले कुछ नंबर्स देखते हैं, चार्ट देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले तो पिछले एक साल का चार्ट है, 80 रुपए की रेंज में कहीं शेयर होता था और अब करीब करीब 70 रुपए की रेंज में है, तो बहुत ज्यादा इसमें कोई मूव आया नहीं है। 10 रुपए का एक मूव पिछले एक साल के दौरान आया है। कुछ आंकड़ों पर नजर डालेंगे जो पिछले कुछ वित्तीय वर्ष के हैं, यानी कि पिछले 4 साल के अगर रेवेन्यूज को देखेंगे तो रेवेन्यू वाइज इस कंपनी ने इतना खराब प्रदर्शन नहीं किया है। 6,800 करोड़, 8,000 करोड़, 9,000 करोड़, फिर एक डिप 7,450 करोड़ रुपए, और शायद यही डिप एक वजह है जिसकी वजह से शेयर नहीं चला होगा, क्योंकि ये कंपनी मॉनसून बेस ज्यादा कामकाज करती है, सरकार हस्तक्षेप काफी करती है कामकाज में, इसलिए भी इनके नंबर्स थोड़े से इरेटिक रहते हैं। इसके अलावा मुनाफा भी देखेंगे तो मुनाफे के नंबर्स में भी ऐसे ही से कुछ आंकड़ा है। किसी समय जब अच्छा मानसून रहता है तो मुनाफा अच्छा होता है, करीब 322 करोड़ मुनाफा, कभी 191 करोड़ मुनाफा, कभी 180 करोड़ मुनाफा, लेकिन पिछले 3 साल से मुनाफे की जो ट्रेजेक्ट्री है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और शायद यही एक वजह और हो सकती है इसकी वजह से शेयर में गिरावट है। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर के नंबर देखेंगे तो वहां पर सिचुएशन थोड़ी बदली है। 20 करोड़ का मुनाफा था, गिर के 10 करोड़ आया, फिर वहां से 18 करोड़ आया, और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 करोड़ मुनाफा होगा, तो ये आंकड़ा थोड़ा सा अपवर्ड साइड पर है, यानी कि ये दिखाता है कि शायद पिछले 3 तिमाही से कंपनी की सिचुएशन जो है वो इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रही है। ये तो हो गए कुछ इस कंपनी से रिलेटेड फाइनेंशियल्स की बात। वैल्यूएशन वाइज करीब 4 रुपए के आसपास की ईपीएस है, 21 के मल्टीपल में शेयर कामकाज कर रहा है, और बुक वैल्यू 53 रुपए के आसपास है, जिसके करीब ही ये शेयर कामकाज कर रहा है, बहुत ज्यादा वहां से वेरिएशन नहीं है, क्योंकि ये फर्टिलाइजर स्पेस है, थोड़ा हायर मल्टीपल पे यूजुअली ट्रेड करता भी है। मेजरली सभी बड़े फंड्स हैं, LIC तो बट ऑफिस के अंदर होना ही होना था, करीब 4% के आसपास LIC के अंदर स्टेक ओन करते हैं, डायमेंशन फंड 0.5%, उसके अलावा सुंदरम AMC का भी कुछ स्टेक है, तो फंड्स हैं मेजरली है, लेकिन सरकार अभी भी प्रोमिनेंटली, क्योंकि सरकारी कंपनी तो उन्हीं के सबसे बड़ा स्टेक है, लेकिन इसके पीछे वजह और भी बहुत सारी है जिसकी वजह से शेयर या तो नहीं चल रहा है या शेयर चल रहा है। तो ये बता दीजिए फिर कि चलेगा कब, क्या वजह है जिसकी बेसिस पे ये चल सकता है? देखिए, पहले तो शेयर ना चलने की जो वजह है वो तो एक मुनाफा है ही, कि मुनाफे के नंबर से थोड़ा सा एक डाउनवर्ड स्लोप बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, सिचुएशन थोड़ी सी वीक दिख रही है, इससे शायद ये नहीं चल रहा है। लेकिन इसके अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन की परफॉर्मेंस भी इनकी थोड़ी वीक रही है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पिछले 1-2 साल में या पिछले 3 साल में थोड़ी सी वीक आई है, जिसकी वजह से एक प्रेशर आया है, लेकिन चलने की 2-3 अच्छी वजह है। पहली चीज, कंपनी की जो ब्याज लागत है उसमें भारी कमी आ रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री की तरफ कंपनी जा रही है, केपेक्स इनका पूरा हो रहा है और वो कंपनी के लिए एक अच्छा ट्रिगर बनकर सामने आ रहा है। इसके अलावा मॉनसून, इस बार भी बताया जा रहा है कि अच्छा मॉनसून रह सकता है, मॉनसून के आंकड़े सही है, करीब 29 तारीख के आसपास मॉनसून हिट भी करेगा, तो इस तरह के आंकड़े ये कंपनी के लिए अच्छे ट्रिगर के तौर पर कामकाज करेंगे। कंपनी के पास 4 यूनिट है जहां पे वो केपेक्स कर रहे हैं, जिसमें ट्रॉम्बॉय है, थाल है, ईरान है, अल्जीरिया है, जहां पे केपेक्स करने जा रहा है, और ये क्षमता बढ़ना कंपनी के लिए बड़ा कैच है, स्पेशली ट्रॉम्बॉय और थाल में। यहां पर कंपनी के पास एक बड़ा लैंड बैंक भी है, तो अगर कभी चल के आने वाले समय में इस लैंड बैंक को इनकैश करती है तो वो भी एक बड़ा अच्छे ट्रिगर के तौर पर कंपनी कामकाज करेगी, और साथ ही साथ नंबर्स के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट अगर आता है जो पिछले 3 तिमाही से आया भी है तो वो आने वाले समय में और अच्छा ट्रिगर रह सकता है। तो ये कुछ वजह है जिनको आप ध्यान रखें, अगर यहां पर कुछ भी अच्छा आता है तो ये कंपनी के लिए अच्छा रह सकता है, अदरवाइज कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक कंपनी है, ये कहना मुश्किल है कि शेयर चलता क्यों नहीं है। बिल्कुल, तो ये सारे ट्रिगर सुमित है, इसके साथ एक ट्रिगर और भी है, न्यू मुंबई में नया एयरपोर्ट आ रहा है और वहाँ के आसपास जो लैंड बैंक वाले जेकोप, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, ये सब चल गए, उससे थोड़ा सा दूर है चेंबूर में जहाँ RCF का प्लांट है, वहाँ पे इनके पास बड़ा लंबा चौड़ा लैंड बैंक है। अगर आप 5 प्लांट देखेंगे, ट्रॉम्बॉय और थाल जो दो इनके सबसे बड़े प्लांट है, राइट, वहाँ पर तो 40-40 एकड़ जमीन रखी इनके पास प्लांट्स के अलावा जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अभी, तो गवर्नमेंट कभी भी कोई डेवलपमेंट उन पे करती है तो वो इनके लिए कैच है। ये 2 प्लांट पे इतनी बड़ी जमीन है कि अलग से उसको मेंशन करते हैं इनकी जो प्रेस रिलीज है, 1400 करोड़ रुपए के आसपास जो खाली प्लांट और लैंड की वैल्यू है, जो पुरानी एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से एक बेस वैल्यू पे कैलकुलेटेड है। अब मार्केट वैल्यू पे उसकी वैल्यू क्या बैठेगी उसको तो आकलन भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग जमीनों के हिसाब से अलग अलग वैल्यू है, लेकिन 1400 करोड़ बहुत बड़ी बात है। इस कंपनी के मार्केट कैप से ज्यादा तो खाली लैंड और प्लांट की वैल्यू है, बहुत ज्यादा वैल्यू बहुत है, बस वही सवाल है वैल्यू कब अनलॉक होगी ये किसी को पता नहीं होता, इसलिए कॉन्फिडेंस हिलाए ना, बनाए रखें। लेकिन सुमित, आपकी ये मिराज जो है जिसके चलते शेयर हिल जाता है, 11 बजे भी एक बार आपको फिर से आना है स्टूडियो में, आप इतना मत बोलिए वरना सेबी मुझे ले जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, रिसर्च के बेसिस पर, आप ये सारे डेटा के बेसिस पर जो कह रहे हैं वो सारे पब्लिक डोमेन में है, लेकिन कुल मिलाकर एक चीज है, 11 बजे
आज हम एक खास शो आपके लिए फिर लेकर आ रहे हैं, और वो है इंडियन प्रॉफिट लीग और आईपीएल का खुमार जो पूरे देश पे छाया हुआ है, अपने आखिरी चरण में है। तो आज है क्वालिफायर मैच